नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में इस बार हम बात करेंगे राज्यसभा से पारित हुए जम्मू कश्मीर से संबंधित दो अहम बिलों की। राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। इन दोनों ही बिलों पर राज्यसभा में जोरदार चर्चा देखने को मिली। आखिरकार राज्यसभा ने दोनों बिल पारित कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब दिया। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर चर्चा कैसी और क्या रही। रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 टू बी डिस्कस्ड टुगेदर। श्री अमित शाह टू मूव द मोशंस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स। The Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर राज्यसभा में जो चर्चा हुई उसमें विपक्षी सदस्यों ने भी भाग लिया, अपनी बात सदन में रखी। कई विपक्षी सदस्यों ने दोनों विधेयक का समर्थन किया और अपनी बात भी जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में रखी। संतूर, फेरन, कावा, चिनार और शिकारा, संतूर, फेरन, कावा, चिनार और शिकारा, उन लफ्जों में उभरा है सदा जहां में कश्मीर हमारा। कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। दिस वॉज आर बिलीफ सर। मैं आपको आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ है उस पर भी दो शब्द बोलना चाहूँगा। इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विथ व्हाट वी ऑलवेज थॉट। हमारे ओपिनियन में और जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इस पार्लियामेंट में बोला था, दिस इज़ अ ट्रांजिटरी प्रोविजन, इट्स अ टेम्प्रेरी प्रोविजन, इट विल स्टे। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक रखा गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान प्रतिनिधि विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था। परंतु ये कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस जन नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते थे। और सभापति महोदय, आज भी वो आते हैं मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। ये अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यकाल में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ये नहीं कह सकता कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो वेलकम इनिशिएटिव हैं, मैं मानता हूँ। बस कुछ सुझाव दूंगा क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे बीच का संवाद, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं 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 सॉरी
ये नॉमिनेटेड मेंबर है अन्य सदस्य सर, अपने एक सेकंड। उन्होंने बड़ा ग्रॉस ट्रीटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं? हम तो सदैव कश्मीर के हैं। आज जो बिल है ये 2002 रिजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट और जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मैं इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। सर 2019 अगस्त में लोकसभा में माननीय गृह मंत्री ने एक बात रखी थी जब 370 हट रही थी और शिवसेना ने पूरी तरीके से उस पर समर्थन दिया था, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने होल हार्टेडली वेलकम किया है और इस बिल का भी हम समर्थन करेंगे। उन्होंने एक बात कही थी कि सदन के सामने जो बिल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ इसमें POK और अक्साई चिन्ह का उल्लेख है और एक एक इंच जमीन का उल्लेख है। जम्मू कश्मीर को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में कई मुद्दे सदन में रखे, अपनी बात सदन में रखी विपक्षी सदस्यों ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी सदस्यों का उनके मुद्दों का एक एक कर जवाब दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। श्री अमित शाह टू रिप्लाई द डिस्कशन। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं इस महान सदन के सामने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, ये दोनों विधेयकों को कानून बनाने के लिए सदन के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। माननीय, आज ये दो बिल पारित भी होंगे, इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है। माननीय, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए, परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। माननीय, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर भी चर्चा के दौरान देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र में रखते हुए विपक्ष के कई सवालों का जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का फैसला सही था, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल को, बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है सर्वानुमत से। माननीय, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो, इस सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना लिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण
भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को सुना। माननीय न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। यह संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थाई समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मनसा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थाई प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। माननीय, अनुच्छेद 370(3) में जो प्रावधान है वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया, तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे, तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओक से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगा। जम्मू कश्मीर के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का मुद्दा भी राज्यसभा में जोरदार ढंग से उठा। पक्ष और विपक्ष की ओर से अपने अपने तर्क नेताओं ने रखे, सदस्यों ने रखे। आइए सुनते हैं नेहरू जी की भूमिका को लेकर क्या चर्चा सदन में हुई। जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है, जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है, देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा, हमें कोई इसमें शर्म की नहीं। मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं, इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो
आज़ादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहाँ गवर्नमेंट नहीं, यहाँ नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी, अभी भी वापस आओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है, क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है, संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 से किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया। मान्यवर, मैं जिस दो बिल को लेकर आया हूं, वो दो बिल एक प्रकार से सभी पार्टियों को मैंने सुना है, सर्वानुमत से बिल के तत्व को सबने समर्थन किया है, बिल का जो तत्व है, कंटेन है, इसका किया है। मुझे था कि डिट्रास खड़े हो जाएंगे कि हम अपोज में खड़े हैं, मगर मैं सभी पार्टियों को कहता हूं, तब ये तो काउंट करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए सभी पार्टियों से मेरा मत बाकी दलों से। मान्यवर, कमजोर और वंचित वर्ग, ये जो नाम है, किसी भी नागरिक की डिग्निटी को बहुत हर्ट करने वाला नाम है, अंतर की गहराइयों तक दुख खड़ा करने वाला नाम है, और बहुत समय से था। आज प्रधानमंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कमजोर और वंचित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग ये नाम जोड़ने का फैसला दिया है, जो संवैधानिकतम से संवैधानिक शब्द है। मान्यवर, दूसरा बिल जो है, वो दूसरा बिल जम्मू कश्मीर में सालों से अलग अलग प्रकार के विस्थापित हुए। मान्यवर, 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई, 89 से चरम सीमा पर पहुंचा, ढेर सारे कश्मीरी हिंदू, विशेषकर कश्मीरी पंडित और ढेर सारे सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश भर में बिखर गए।
जम्मू में गए, बेंगलुरु गए, गुजरात गए, दिल्ली गए, फरीदाबाद गए, देश भर में बिखरे। सभी राज्यों ने उनकी आवभगत भी की, सभी राज्यों ने उनको रिजर्वेशन भी दिया, कई राज्यों ने उनको नौकरी में प्रायोरिटी दी भी। कश्मीरियों को गले लगाने का काम पूरे देश ने किया है, पूरे देश की जनता। मान्यवर, वो बिखरे और ऐसे बिखरे कि अपने ही देश में वो विस्थापित हो गए, निराश्रित हो गए। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, वो दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो गए। मान्यवर, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 46,631 परिवार जो रजिस्टर्ड हैं, वो वहां से विस्थापित हुए हैं, और 1,57,967 लोगों ने हमारे बहुत प्रयास के बाद, 19 के बाद हमने एक अभियान चलाया, हर शहर में जाकर एडवर्टाइज दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, और इतने लोग अब तक रजिस्टर्ड हुए। तनख्वाह साहब ने कहा कि बहुत सारे हैं, करना चाहिए, मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं। तनख्वाह साहब, आप जितने भी छूट गए इसकी सूची लाइए, आधी सेकंड में मैं रजिस्टर कर आपको एक्नोलेजमेंट। मान्यवर, ऑनलाइन प्रक्रिया है, और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, आप मतदान भी करोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो, आपको पूरा। मान्यवर, 3 युद्ध भी हुए, 1947 में और 48 में युद्ध हुआ, 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए, इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बसे, और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। दूसरा युद्ध हुआ 65 और 71 का, और छंब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए, 3500 परिवार 65 के युद्ध में हुए, और इतने ही करीब करीब 71 के युद्ध में हुए। अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं, उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करी है, मैं आगे बताता हूं। मगर ये बिल जो है मान्यवर, 3 सीटें 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए, और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया। मान्यवर, ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो, तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो, ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है, और मान्यवर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था, भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं। मान्यवर, और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं, मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूँ। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी, अब
नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का था। माननीय कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें 47 सीटें बनाने का था। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी, 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर राज्यसभा में लंबी चर्चा हुई, जोरदार चर्चा हुई और राज्यसभा ने दोनों बिल पारित कर दिए। नए कश्मीर की शुरुआत होगी माननीय, आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा, कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहाँ पर खड़ा होगा। दुनिया भर के यात्री आएंगे ऐसे कश्मीर की रचना के लिए। ये दो जो विधेयक लेकर मैं आया हूँ, मैं आपको निवेदन करता हूँ सभी लोगों को। That the bills have been passed unanimously, there has been no dissent. अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक आलेख लिखा और उस आलेख के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 के संदर्भ में कितना ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलेख में ये भी बताया, ये भी लिखा कि नया जम्मू कश्मीर आतंक को पीछे छोड़ अब विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 दोनों पारित हो गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 370 को लेकर भी खासा अहम रहा। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।